लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। किया गया है। कृषि उपकरण,
लौह शिल्प, बांस शिल्प, काष्ठ के शिल्प और दुर्लभ वाद्य यंत्रों का संग्रह प्रत्येक काल की विशेषता बयां करते हैं। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के रथ की प्रतिकृति को कैफेटेरिया में उकेरा गया है, जहां आप पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। धनपुर एथनिक रिसोर्ट में विभिन्न जनजाति समुदाय के निवास के स्वरूप में पर्यटक आवास खर्च निर्मित किए गए हैं, जिससे पर्यटकों को जनजाति घरों में रहने की अनुभूति प्राप्त होगी। जबलपुर से 75 किलोमीटर और राजधानी रायपुर से 213 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है धनपुर एथनिक रिसोर्ट कोना गाँव। सोलर पावर के प्रकाश में जगमगाता ये एथनिक रिसोर्ट आपको हजारों जुगनुओं की उपस्थिति का एहसास कराएगा। तो चले आइए छत्तीसगढ़। नकाल पर्वत श्रृंखला तो दूसरी ओर मनोहारी दृश्यों को अपने आप में समेटे चिल्ली घाटी बैगा एथनिक रिसोर्ट की खूबसूरती को संपूर्णता प्रदान करते हैं। सघन वन और उनमें रहने वाले वन्य प्राणियों से भी छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ता है। सरुदा दादर से मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पर भूरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में विभिन्न वन्य प्राणी विचरण करते मिल जाते हैं। इसके नजदीक ही पीड़ाघाट और वाली दरहा वाटरफॉल वन देवी के पांव पखड़ाने को आते दिखाई देते हैं। बैगा एथनिक रिसोर्ट से केवल 22 किलोमीटर की दूरी पर कलचुरी समर्थ में फले नागवंशी राजा द्वारा नागर शैली में निर्मित विलक्षण भूरम देव मंदिर अपनी अति प्राचीन ऐतिहासिकता का प्रमाण देता है। जनजातीय संस्कृति की इंद्रधनुषी छटा को बिखेरता ट्राइबल मार्केट इस क्षेत्र की सहज और सरल जीवन शैली को चित्रित करता है। क्या आपने धरती और आकाश को एक होते देखा है? तो इस रोमांचक नजारे का दीदार कराने छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड आपको आमंत्रित करता है। कबीरधाम जिले के बैगा एथनिक रिसोर्ट सरोदा दादर में चिल्ली घाटी के विहंगम दृश्य को आप इस एथनिक रिसोर्ट के व्यू पॉइंट से अपनी आंखों में कैद कर सकते हैं। पहाड़ी पर से इस एथनिक रिसोर्ट में ट्राइबल थीम पर हट्स, कैफेटेरिया, इंटरप्रिटेशन सेंटर और मुक्ताकाश मंच निर्मित किया गया है। बैगा जनजाति समुदाय के साथ छत्तीसगढ़ की समृद्ध परंपरा और कला संस्कृति से पर्यटकों को रूबरू कराने आतुर है ये रिसोर्ट। तो चले आइए बैगा एथनिक रिसोर्ट सरोदा दादर में। रिसोर्ट से 55 किलोमीटर की दूरी पर बिलासपुर जिले का मुख्य आकर्षण अचानक मार अभयारण्य टाइगर रिजर्व के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ लगभग 200 तरह के पक्षियों के साथ वन्य प्राणी विचरण करते नजर आते हैं। कुदरत के नैसर्गिक सौंदर्य में सुकून तलाशने आप यहाँ भी आ सकते हैं। अनुपम छटा से समाहित राजगीय बर्फ दूरी 78 किलोमीटर, यहाँ आकर जैसे वह थमसा जाता है। छत्तीसगढ़ की गगनचुंबी पहाड़ियों में से एक इस स्थान पर पक्षियों के सुर से सुर मिलाते हुए सर्द हवाएं पर्यटकों का स्वागत करती हैं। कोडर हिल रिसोर्ट से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर कूटाघाट डैम की विशाल जलराशि छत्तीसगढ़ की आराध्या देवी महामाया के चरणों में बिछी नजर आती है। मधुपुरी ताला और मल्हार का पूरा वैभव पर्यटकों को आह्वानित करने में पूरी तन्मयता के साथ जुटा हुआ है। घने वनों से आच्छादित छत्तीसगढ़ की नैसर्गिक सुंदरता और पर्यटकों को सहर्ष आमंत्रित करता ट्राइबल सेफिक डेस्टिनेशन कुर्गर हिल इको रिसोर्ट। अचानक मार टाइगर रिजर्व बिलासपुर से लगी पहाड़ी पर है बैगा विलेज कोडर, जहाँ प्रकृति हरियाली की चुनर ओढ़े आपका हार्दिक स्वागत करती है। प्रकृति का अद्भुत नजारा बैगा जनजाति समुदाय को करीब से जानने समझने का अद्वितीय अनुभव। इको टूरिज्म के सौंदर्यमयी परिवेश में नवनिर्मित
विश्व स्तरीय सुविधाओं से परिपूर्ण गुडल कॉटेज में पारंपरिक अतिथि सत्कार को आते छत्तीसगढ़ टूरिस्ट बोर्ड। तो चले आइए छत्तीसगढ़। और धनपुर एथनिक रिसोर्ट कोडावा, बैगा एथनिक रिसोर्ट सलोकाबाद जिला बिलासपुर जिला कबीर खान और कोडर हिल इको रिसोर्ट जिला बिलासपुर के लोकार्पण के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भूपेश बघेल जी से सादर निवेदन करते हैं। आपने एक बड़ी सौदा मुख्यमंत्री महोदय, हम आपसे निवेदन करते हैं धनपुर एथनिक रिसोर्ट कोडा गांव से लाइव जुड़ने के लिए। आज आवाज आ रही सन प्रणाम, यहाँ सब लोग बैठे हैं। कैमरा थोड़ा नीचे करवाइए, ऊपर ऊपर करवाइए कैमरा, और नीचे भाई, आप चेहरा नहीं आ रहा है। हाँ अब ठीक है, गृह और पर्यटन मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय अमरजीत जी, आदरणीय रुद्र कुमार गुरु जी, भाई मोहन मरकाम जी, आपके विधायक हमारे प्रदेश अध्यक्ष तो यहाँ है हमारे साथ, भाई विकास उपाध्याय जी संसदीय सचिव, और हमारे सभी सेक्रेटरीगण यहाँ उपस्थित हैं। मैं वहाँ जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मैं बहुत लोग देख रहा हूँ, संत भी दिख रहा है, मनीष भी दिखाई दे रहे हैं, कलेक्टर भी हैं और टूरिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारी भी दिखाई दे रहे हैं। मैं आग्रह करता हूँ कि ये फीता काटने का काम संत नेताम जी से आग्रह करता हूँ, हमारे मतलम भाई भी दिख रहे हैं तो विधिवत उद्घाटन करने का काम संपन्न करें। बहुत बहुत बधाई। चलिए अब कार्यक्रम शुरू करें, बैठ जाइए। अच्छा कमिश्नर साहब भी दिखाई दे रहे हैं, कमिश्नर कलेक्टर सभी हैं। साक्षी छत्तीसगढ़ और पूरे देश के पर्यटन प्रेमी बैठ रहे हैं। आज के इस ई लोकार्पण कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय पर्यटन मंत्री महोदय के ताम्रध्वज साहू जी से अब हम संबोधन के लिए सादर निवेदन करते हैं। आज के इस ई लोकार्पण कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे कार्यक्रम में गौरवशाली उपस्थिति माननीय वरिष्ठ मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी, माननीय मंत्री श्री अमरजीत सिंह भगत जी, माननीय मंत्री गुरु रुद्र कुमार जी, माननीय अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्री मोहन मरकाम जी, हमारे विभाग के संसदीय सचिव विधायक साथी आदरणीय भाई विकास उपाध्याय जी, हमारे विभाग के सेक्रेटरी अंबर्दन जी, एमडी इफ्तारा जी, हमारे विभाग के अधिकारीगण और सीएम सचिवालय के अधिकारीगण सिद्धार्थ कमल परदेसी जी, तारण सिन्हा जी और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, हमारे पर्यटन विभाग के लिए खुशी का अवसर है
काफी दिन पहले, 2-3 महीना पहले से हमारे तीनों रिसोर्ट तैयार हो चुके हैं। कोरोना लॉकडाउन खुलेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ले जा करके इस पार्क में लोकार्पण कराएंगे, ऐसी इच्छा थी लेकिन संभव नहीं हो पाया। इसलिए 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किए कि आज इस कार्यक्रम को संपन्न कर दें। उनकी उपस्थिति के लिए और आप सबकी उपस्थिति का मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक महत्व का, पुरातत्व महत्व का और पर्यटन की दृष्टि से धार्मिक और नेचुरल प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा प्रदेश है और पर्यटन की यहाँ आनंद संभावनाएं। अनेकों देश ऐसे हैं जिनका आय का स्रोत पर्यटन है। छत्तीसगढ़ में इस दिशा में काम विगत वर्षों में नहीं हो पाया था। वर्तमान सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे ध्यान दिया और ध्यान देकर बड़ी सादगी से हम सबको और हमारे अधिकारियों को निर्देशित किया कि जितना ज्यादा जल्दी हो सके पर्यटन स्थल का विकास होना चाहिए और विश्व के नक्शे में छत्तीसगढ़ का स्थान बने। उस दृष्टिकोण से हम लोगों ने अपने विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर इस क्रम को आगे बढ़ाया और बढ़ाते हुए अभी ट्राइबल सर्किट के अंतर्गत 13 स्थान जैसा अभी बताया गया, इसमें से 3 जो आज हम लोग लोकार्पण कर रहे हैं लगभग 30 करोड़ के लागत का है जो आज तीनों स्थल जो लोकार्पण हो रहा है। इसके अलावा 10 जो बचा है उसमें 7 स्थल ऐसे हैं जिसको हम लोग अगले महीना फिर से आपसे 7 स्थल का पूरा होने के कगार पे है। अगले महीना आपसे फिर समय लेकर 7 स्थल जिसमें जसपुर का एक मिनट पर्यटक स्थल है, कुनपुरी महल पार्क, महेशपुर और नथिया नवागांव, चित्रकूट, तीरथगढ़, ये 7 अगले महीना हम लोग पूरा कर लेंगे। एक कमलेश्वरपुर माइंड पार्क का है वो दिसंबर तक पूरा होगा। हमारे जी भगत जी कहते हैं कि दिसंबर तक पूरा होगा और गंगरेल का पूर्व में पूर्ण हो चुका है, जगदलपुर का पहले पूरा हो चुका है, सतरेगा का भी हमारा काम इसमें चल रहा है और इसमें लगभग 96 करोड़ की लागत से इन सारी योजनाओं को पूरा करना है। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने निवेदन किया तो पर्यटन का बजट भी उन्होंने बढ़ाया है इस वर्ष अन्य वर्षों की तुलना में कई गुना, तो उसके दृष्टिकोण से उसके आधार पर भी हम लोग इसको आगे करना चाहते हैं। राम वन गमन पथ एक नया माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है और जो जिसमें अभी 9 स्थल हम लोगों ने चिन्हांकित किया है, उन 9 स्थलों के लिए 137 करोड़ के लागत का कॉन्सेप्ट तैयार हुआ है और उसको भेजा गया है और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 4-5 विभाग मिलकर उस काम को अंजाम दे रहे हैं। पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग, माननीय चौबे जी का विभाग सिंचाई विभाग, अमरजीत भगत जी का विभाग है संस्कृति विभाग, नगरी निकाय विभाग, PWD विभाग, सभी विभाग मिल करके अपना फॉरेस्ट विभाग, जो जो उनका काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिया उसके अनुसार सब अपना काम अपने अपने विभागीय बजट से करके उसको बहुत जल्दी पूरा करने के लिए शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे भारतवर्ष में राम वन गमन पथ में चंदखुरी में माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर पूरे भारतवर्ष में है। माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार वहाँ जाकर देख करके तत्काल वहाँ से शुभारंभ करने का उनका निर्देश, उसके अनुसार भूमि पूजन का कार्यक्रम हो गया। एजेंसी हम लोगों ने तैयार कर दी 3-3 एक एक को देकर ताकि जल्दी हो, एक ही एजेंसी 9 जगह काम करेगा तो विलंब होगा, इसलिए 3 एजेंसियां तय कर दी गई है 3-3 जगह का काम करने के लिए और बहुत जल्दी इसको हम लोग करना चाहते हैं। तो आज के अवसर पर अधिक कुछ नहीं, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ और पूरे छत्तीसगढ़ में पर्यटन की जो संभावनाएँ हैं उसको और कई नया नया स्वरूप हम लोग दे रहे हैं। जैसे जंगल है वहाँ भी अगर फेंसिंग करके 5-7 किलोमीटर का रेडियस हम लोग कर दें और वहाँ
अलग से एक बनाए, इस प्रकार से भी चल रहा है। तो आज आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल विकसित करने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना, उनके निर्देश, उनको हम साकार करने के लिए पूरी तौर पर आश्वस्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय पर्यटन मंत्री महोदय। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट इको एथनिक रिसॉर्ट के लोकार्पण के अवसर पर आदरणीय साम्रतदास साहू जी, आदरणीय चौबे जी, गुरु रुद्र कुमार जी, अमरजीत जी, भाई मोहन मरकाम जी, भाई विकास जी, भाई संत नेताम जी और हमारे विभाग के सचिवालय के उपस्थित हमारे अधिकारीगण, उपस्थित कमिश्नर और कलेक्टर और साथ ही हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ उपस्थित हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ के आदिवासी संस्कृति और उससे जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों के लिए आज का दिन एक बड़ा दिन है। अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज छत्तीसगढ़ के पर्यटन मानचित्र में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट का उदय हो रहा है। मुझे खुशी है कि हमारे पर्यटन विभाग ने भारत सरकार के स्वदेश दर्शन योजना को एक नए अंदाज में सार्थक किया है। जसपुर, कुनकुरी, मैनपाट, कमलेश्वरपुर, महेशपुर, कुरदर, सरोधा दादर, गंगरेल, नथिया नवागांव, कोंडागांव, जगदलपुर, चित्रकूट, तीरथगढ़ हमारे प्रदेश के आदिवासी संस्कृति के गौरव स्थल हैं, जिन्हें एक सिलसिले में रखते हुए इस पूरे सर्किट का विकास हमारा एक बड़ा सपना था। मुझे खुशी है कि केंद्र से स्वीकृत 96 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किए जा रहे इस सर्किट में 13 जनजाति बहुल स्थलों में पर्यटकों के लिए स्थानीय ट्राइबल थीम एवं इको टूरिज्म थीम पर आधारित सुविधाएं विकसित की जा रही है। सुविधाएं न होने कारण से पहले लोग इन स्थलों पर ठहर नहीं पाते थे। यहाँ की सदियों पुरानी जनजाति संस्कृति, कला एवं ग्रामीण परिवेश को नज़दीक से देख नहीं पाते थे। अब यह कमी दूर हो जाएगी और पर्यटक इन स्थलों का आनंद ले पाएंगे। साथ ही यहाँ के मर्म को, यहाँ की बारीकियों को देखेंगे और समझेंगे। जिन 3 स्थलों में रिसॉर्ट बनाए गए हैं उनके बारे में जानकर लोगों को बहुत आश्चर्य भी होगा और खुशी भी। कुरदुर हिल इको रिसॉर्ट बिलासपुर से 52 किलोमीटर दूर, बेलगहना से 52 किलोमीटर दूर, अचानक मार टाइगर रिजर्व से लगी पहाड़ी स्थित पर बैगा विलेज कुरदुर, यहाँ प्रकृति के अनेकों अनोखे रंग बिखरे हुए हैं। बैगा एथनिक रिसॉर्ट सरोधा दादर चिल्पी घाटी, जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत जाना पहचाना है, सब लोग जानते हैं, यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का वैभव देख सकते हैं। धनकुल एथनिक रिसॉर्ट कोंडागांव, जहाँ आप सब बैठे हैं, यहाँ की जनजाति संस्कृति का वैभव और संग्रहालय अत्यंत मनमोहक है। इससे पर्यटकों में अपनी संस्कृति, धरोहर स्थल को सुरक्षित रखने, स्थानीय संस्कृति का सम्मान करने एवं प्रकृति में प्रदूषण को कम करने के प्रति भाव जागृत होंगे। इसके साथ ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अनेक लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। हमें आदिवासी अंचल में प्रकृति ने न सिर्फ दिल खोलकर खूबसूरती दी है, बल्कि स्थानीय संस्कृति के रूप में अनेक कलाएं भी दी है, जो किसी भी इंसान को अपने प्रकृति के सबसे खूबसूरत स्वरूप से परिचित कराती है। मेरी कामना है इन अंचलों में जाकर पर्यटक अपनी संस्कृति के आदर्श स्वरूप को समझें और जीवन में उतारें। मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा राम वनगमन पर्यटन परिपथ भी आदिवासी अंचलों में हमारी संस्कृति के बिखरे मोतियों को जोड़कर ऐसी खूबसूरत माला बनाएंगे जो लोक जीवन में
आस्था और संस्कार को बल देगा। रामायण काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, साथ ही हमारे राज्य को भगवान राम के ननिहाल होने का सौभाग्य भी प्राप्त है। छत्तीसगढ़ के चंदखुरी में प्रभु श्री राम की माता कौशल्या का प्राचीन मंदिर स्थित है, अतः राम वनगमन पर्यटन परिपथ के विकास कार्य का शुभारंभ चंदखुरी के कौशल्या माता मंदिर से किया गया है। भगवान राम के प्रति छत्तीसगढ़ के जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस पावन कार्य में छत्तीसगढ़ के लोगों को सहभागिता का अवसर देने के लिए राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकास कोष का शीघ्र गठन किया जाएगा। इसके माध्यम से आम जन भी इस परिपथ के विकास में आर्थिक सहयोग का पुण्य अवसर प्राप्त कर सकेंगे। प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में LED वाहनों के माध्यम से राम वनगमन पर्यटन परिपथ का प्रचार प्रसार किया जाएगा। एक ऐसा अवसर जिसमें शासन तो अपने ओर से काम कर रही है, आप सबको विदित ही है कि भगवान राम तो जब वनवास हुआ था तो लगभग 75 स्थानों पे वो गए थे, जिसमें से लगभग 51 स्थानों पे वो रुके भी थे, विश्राम किए थे। उसमें से कुछ स्थानों का इस साल हम लोग विकास कर रहे हैं, लेकिन जितने भी स्थान पे गए हैं उनका भी हम विकास करेंगे। बहुत सारे साथियों की अपेक्षा है कि हमारे यहाँ भी होना चाहिए, हमारे यहाँ भी होना चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो संसाधन है उसके माध्यम से हम विकास के काम तो कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पर्यटन मंत्री ने आपको जानकारी दी कि सभी विभागों के सहयोग से विभिन्न स्थलों में आवागमन की सुविधा, वहाँ के उस क्षेत्र के विकास करना, लेकिन जो हमारे प्राचीन जो मंदिर हैं या ऐतिहासिक धरोहर है उसमें कोई छेड़छाड़ न करते हुए उस क्षेत्र का विकास करना और उससे आसपास से जुड़े हुए जितने भी हमारे प्राचीन ऐतिहासिक या पौराणिक हमारे धरोहर हैं उसका भी विकास करना, एक जोड़ने का काम हमको सबको करना है। और इसके लिए आम जनता की भागीदारी बहुत जरूरी है, इसलिए राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकास कोष का गठन बहुत जल्दी किया जाएगा, जिसमें इन स्थलों के विकास में आपकी भागीदारी हो, ये हम चाहते हैं। तो मैं आप सबको ट्राइबल टूरिज्म सर्किट रिसॉर्ट के लोकार्पण के अवसर पर बधाई देता हूँ, विभागीय मंत्री को, विभाग के अधिकारियों को, वहाँ जुड़े हुए स्थानीय प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को और आम नागरिकों को भी बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। कोरोना काल में टूरिज्म अभी लगभग बंद सा हो गया है, हमारे लोग यहाँ से देश के दूसरे कोने में जाते थे घूमने फिरने या विदेश जाते थे, लेकिन अभी सभी बंद हैं। ऐसी स्थिति में ये जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो अभी जितने भी ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के माध्यम से जो बनाया गया है उसका लाभ ले सकते हैं, स्थानीय लोग भी वहाँ जाके रुक सकते हैं और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, और इस दिशा में पर्यटन विभाग ने जो काम किया है उसके लिए मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ भर लगाना है ना, updates do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.